आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज कौन सी है? और क्या आपने कभी ओपा नाम के इस अजीब सी दिखने वाली मछली को देखा है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसी जिम है ना, जिसमें जो पावर होता है जिम का, लाइट और ये सब का पावर, वो जिम करने वाले मेंबर्स जो साइकिलिंग करते हैं उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और वही जिम में यूज होता है। मतलब एक अच्छा सा चेन, इसे कहते हैं इको जिम। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉनस्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे ना कि आप इस इमोजी की तरह रिएक्ट करोगे। फैक्ट नंबर 22, दुनिया में एक से एक विचित्र जॉब्स है, ठीक है। उसमें से एक जॉब है जिसे कहते हैं पांडाज नैनी, मतलब पांडा लोगों की दादी माँ। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप एक पांडा का नैनी बन गए तो आपको $32,000 प्रति ईयर यानी करीब 20 लाख रुपए प्रति साल का पैकेज मिलेगा इस जॉब में। बट दिक्कत यह है कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ चाइना में अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 21, द टेलीग्राफ का ये आर्टिकल देखो, पैसेंजर सीटेड ऑन प्लेन नेक्स्ट टू स्ट्रेंजर हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिम। मतलब ऐसा हो गया उसके साथ कि वो गया आराम से बैठा, व्हाट, मतलब अपने बगल में जिसको देखा वो एकदम हमशक्ल था उसका। ऐसा बहुत बार होता है, आपका भी हमशक्ल कहीं ना कहीं हो नहीं। फैक्ट नंबर 20, आपका जो वॉकिंग स्पीड है वो एक्चुअली में आपके साथ कौन है उस पर डिपेंड करता है। मान लो कोई लड़का चल रहा है रोड पे, तो उसके बगल में अगर कोई लड़की है, उसकी कोई फीमेल पार्टनर है, तो उसकी वॉकिंग स्पीड एवरेज में 7% कम हो जाती है। अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो वो चाहता है कि डेस्टिनेशन में मैं स्लोली स्लोली हौले हौले पहुंचूं, ताकि यू नो यू गॉट इट। और अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियां साथ साथ चल रही है, तो उसमें उनका वॉकिंग स्पीड सबसे स्लोएस्ट होता है इन कंपैरिजन टू ऑल द सिचुएशंस। और जब लड़के आपस में ग्रुप में चल रहे होते हैं तब उनका स्पीड फास्टेस्ट होता है इन कंपैरिजन टू जब वो एक लड़का अकेले चल रहा है। मतलब ग्रुप में एकदम भाम 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 करके चलता है लड़का लोग। हाँ, ये बात अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो हाँ ये बात सही है काइंड ऑफ। फैक्ट नंबर 19, जो हम लोग सुपर पावर्स की बात करते हैं, ये सुपर पावर वो सुपर पावर, आपको पता है दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर पावर कौन सा है? मार्वल के जो अमेजिंग कैरेक्टर्स के जो क्रिएटर है स्टैन ली, उनके हिसाब से हमारे जिंदगी का जो सबसे बड़ा सुपर पावर होता है वो होता है ये LUCK, लक, किस्मत। किस्मत से बड़ी सुपर पावर और क्या हो सकती है? स्टैनली इस बात को खुद बोले थे। इनका मानना था दैट इफ यू आर लकी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू अकॉम्प्लिश, लक वुड बी द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 18, एक फिश की एक बहुत ही यूनिक प्रजाति होती है जिसे कहते हैं द ओपा। इसका साइंटिफिक नेम है लैम्प्रिस गुटाटुस। और ये देखो, इसे एक वार्म ब्लडेड फिश कहा जाता है और ये सबसे अजीब दिखने वाली फिशेस में से एक होती है। और इसका हाइट तो देखो, मतलब गजब फिश लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको दिखाया। फैक्ट नंबर 17, आपको पता है कि सड़कों में गड्ढे जो बन जाते हैं वो हमारे लिए कितना दुखदायक होता है? बस या कार में बैठो या फिर बाइक भी चलाओ तो ऊपर नीचे सहना पड़ता है। तो यूके में एक आर्टिस्ट ने वहां पर वहां के जितने रोड थे सब के आगे ऐसा कुछ मार्क कर दिया, पता है? मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और गवर्नमेंट का अटेंशन पाने के लिए वो गड्ढे के सामने गया और चारों तरफ से मार्क कर दिया कुछ इस तरह। फैक्ट नंबर 16, आपको पता है कि जितने भी गुड्स होते हैं जब अंदर बाहर जाते हैं कहीं भी स्टेट में या फिर कंट्री में, तो एक लीगल एक कानूनी चीज होता है कि आप जब भी कुछ चीज को इम्पोर्ट करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ट्रेड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है कि क्या अलाउड है क्या नहीं, कानूनी चीजें। एक गन, अगर आप एक गन खरीद रहे हो उसमें जितना ट्रेड रेगुलेशन है उससे ज्यादा ना एक बनाना में केला। जी हाँ, ये ट्रू है, बनानास हैव मोर ट्रेड रेगुलेशंस देन AK-47। मतलब इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं वो AK-47 में कम है कंपैरिजन टू बनाना। मतलब बनाना को इंपोर्ट करना मुश्किल होता है एक्चुअल में। ये एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है। फैक्ट नंबर 15, आपको पता होगा कि कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, आप कंपनी का शेयर खरीद के उसका कुछ परसेंट ओनरशिप ले सकते हो, ठीक है। इनको देखो, माइक मेरिल, मैन हु सोल्ड शेयर्स इन हिमसेल्फ। जी हाँ, ये सही है। साल 2008 में माइक मेरिल नाम का ये इंसान अपने आप को 1000 शेयर्स में बांट दिया अपने शरीर को। मतलब एक कंपनी में अगर आप शेयर लेते हो तो आपको कुछ उस कंपनी के बारे में आपको कुछ डिसीजंस लेने का पावर मिल जाता है। तो ये इंसान अपने आप को शेयर में बेचा, मतलब अगर आप इस इंसान का पैसा देके शेयर लोगे तब ये अपने लाइफ में क्या कर रहा है उसको आप रेगुलेट कर सकोगे और आप जो उसको बोलोगे वही वो करेगा। ओह माय गॉश।
ये वर्ल्ड का फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड मैन है। फैक्ट नंबर 14, जिम में लोग इतना खटते, इतना मूवमेंट करते, इतना उठाते पटकते हैं, इतना साइकिलिंग करते हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि उनका जो इतना मेहनत है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं? इको जिम एक ऐसा जिम है जिसमें जितना भी कार्डियो इक्विपमेंट है उसको ऐसे तरह से सेट कर दिया गया है ना कि अगर कोई जिम में बारबेल उठा के रखेगा भी तो वो जो मूवमेंट हो रहा है या फिर चेन पुलिंग कर रहा है या फिर साइकिलिंग कर रहा है वो एक टर्बाइन को रन करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। और इससे क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जो बिजली खपत हो रही है जिम में वो कम लग रही है क्योंकि यहाँ से ही अच्छा खासा बिजली आ जा रहा है, तो इससे सेविंग भी होती है जिम की। और इसके चलते जिम का मेंबरशिप का जो प्राइस होता है मंथली वो भी सेविंग जो करते हैं जिम उनको पास कर दिया जाता है, मतलब उन्हें सस्ता पड़ता है, जितना मेहनत करेंगे उतना प्रोड्यूस होगा और उसके हिसाब से उसका मंथली फी उतना कम लगेगा, मतलब मेहनत इक्वल टू पैसा का बजट। वी फोरम का आप ये आर्टिकल देख सकते हो, दिस जिम गेट्स इट्स पावर फ्रॉम योर वर्कआउट, मतलब जितना हार्डर वर्कआउट करेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यू नो। फैक्ट नंबर 13, ये जो स्नेल होता है ना, गार्डन स्नेल, मतलब जो आपके नॉर्मल घर में घूमते रहता है, ये अगर आप इसे अगर ब्लेड के ऊपर से पास करोगे ना तो ये नहीं कटेगा। क्या होता है कि टिपिकली आप कोई भी इंसेक्ट को ब्लेड से पास करोगे तो वो मर जाएगा, बट ये नहीं मरेगा, ये आराम से पास हो जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि स्नेल का जो बॉडी का आउटर लेयर होता है वो 98% वाटर होता है और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपस में टूट के वापस रिचिपक जाते हैं और वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो ये केमिकल रीजन है ये होने का। फैक्ट नंबर 12, आइलैंड के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, आइलैंड जो समुद्र के बीच में जगह होता है वहां पे आप टिपिकली ऐसा कोई सीन देखते होंगे, पेड़ पौधे ये है और कुछ कुछ में घर देखते होंगे, बट कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड, उसका नाम है सांता क्रूज डेल इस्लोट और ये कोलंबिया के कोस्ट में मौजूद है और ये सिर्फ 0.012 किलोमीटर लंबा है और इसमें 1200 से ज्यादा लोग रहते हैं। That's amazing. Fact number 11. कुछ ऐसे मूवी सीन्स होते हैं जिसमें आप रियली में इमोशनल हो जाते हो, आप रोने लगते हो, ठीक है, तो एक मूवी है जिसका नाम है सेविंग प्राइवेट रैन और इस मूवी को इतना रियलिस्टिक बनाया गया है कि आप इसके विकिपीडिया पेज का ये लाइन देखो, द फिल्म वॉज सो रियलिस्टिक डेट कॉम्बैट वेटरन्स ऑफ डीडे एंड वियतनाम लेफ्ट थिएटर्स रादर देन फिनिश वॉचिंग द ओपनिंग सीन, मतलब इस फिल्म का ओपनिंग सीन इतना रियलिस्टिक था, मतलब जो जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी वो जब देखने गए तो वो देख ही नहीं पाए, मतलब ये ओपनिंग सीन इतना रियलिस्टिक था कि लोग, बहुत भारी मात्रा में लोग इसका ओपनिंग सीन भी नहीं देख पाए थे और लोग ये कहे थे कि इट वाज द मोस्ट रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ कॉम्बैट दे हैड एवर सीन। फैक्ट नंबर 10, ऐसे दुनिया में कई जगह है जो कि 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना घर है, 300 साल पुराना ये महल है और उसमें से ज्यादातर अबैंडन्ड रहते हैं, बंद रहते हैं, बट आयरलैंड में एक ऐसा बार है जो कि लास्ट 1000 साल से मौजूद है और उसका नाम है सेंस बार। फैक्ट नंबर 9, आप याद है बचपन में कलर करते थे, कलर का कलरिंग करना, तो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कलरिंग जो है ये बेस्ट अल्टरनेटिव है मेडिटेशन का। आप बोलते हैं ना मेडिटेशन नहीं होता है, बोरिंग है, बट मेडिटेशन का जो फायदा होता है ना फोकस का और फ्रेशनेस का माइंड का, वो कलरिंग में भी आ सकता है क्योंकि जब आप कलर करते हो तो बिल्कुल फोकस लगा करते हो और उससे भी माइंड आपका बहुत इम्प्रूव होता है, मतलब कलरिंग आपके क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और आपके एंजाइटी और टेंशन को भी रिलीव कर सकता है और आपके मेमोरी को भी और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप किसी डॉल्फिन को समुद्र के किनारे देखते हो तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर लोग उसे पानी में ठेलने लगते हैं, ठीक है, जानबूझ के, और लोग ये मानते हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं उसको अंदर जाने में, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अगर समुद्र के बीच में आए हैं और एक जगह पड़े हुए हैं उसका कोई रीजन होता है, मतलब वो पर्पसली आते हैं वहाँ पे जब वो सिक या फिर इंजर्ड रहते हैं तब, और जब सिक इंजर्ड होते हैं तब उन्हें बीच के साइड में आने की नीड बुझाती है, अनलाइक जब वो हमेशा पानी में रहते हैं तब, मतलब दे पर्पसली डू इट, इसलिए हम लोग उसको वापस नहीं ठेलना चाहिए मजे मजे में। फैक्ट नंबर 7, हर कंपनी में एक ऐसा मेंबर होता है जो कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सिर्फ ओनर ही नहीं आता है बट और भी बहुत लोग आते हैं, जैसे निंटेंडो जो कंपनी है ये
सुपर मारियो को ओन करता है, सुपर मारियो को। और इनके जो मेकर है शिगुरु मियामोटो, जो कि सुपर मारियो को बनाए थे, उनको निंटेंडो कंपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में रखती है। मतलब जैसे उनके लिए एक लॉ है कि ये अकेले अपने बाइक पे ऑफिस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए रिस्की हो सकता है और कंपनी चाहती है कि ये हमेशा एकदम सिक्योरिटी में आए, इसलिए इनको अलाउड ही नहीं है ये बाइक से आना। किसी भी हाल में कंपनी इनका केयर करना चाहती है, क्योंकि सुपर मारियो जब ये क्रिएट किए थे तो कंपनी को वो इतना आगे ले गया था, बहुत आगे ले गया था। बट यहाँ फैक्ट है कि ये बाइक से अपने काम पे नहीं जा सकते किसी भी हाल में। फैक्ट नंबर 6, एक सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% वेमेन ये बोली थी कि ब्लैक कॉन्फिडेंस को दिखाता है ब्लैक कलर, और 64% मेन ये बोले थे कि हाँ ब्लैक इज सो कूल। इसलिए जो ब्लैक कलर जो है वो कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करता है, दैट्स ट्रू। और मैं तो बिना ब्लैक के भी कॉन्फिडेंट हूँ, आई डोंट नीड इट, यस आई एम शोइंग ऑफ। फैक्ट नंबर 5, जूलियस सेसर जब पहली बार जिराफ को डिस्कवर किए थे तब वो इन्हें कैमेलो पार्ट्स कहते थे, क्योंकि जो जिराफ्स होते हैं वो उनके हिसाब से कैमल और लियोपार्ड का मिक्सचर होता है। जब मैं ये पहली बार सुना था तो मेरे दिमाग को हिट किया था कि हाँ रे, ये जो जिराफ होते ये तो काइंड ऑफ लियोपार्ड का रहता है कुछ कलर, और कैमल टाइप का होता है, बस नट्टी निकला रहता है इतना ऊपर। फैक्ट नंबर 4, जब ग्रुप में कैंपिंग करने जाते हैं लोग तो कैंप में फायर जलाते हैं, बट ये फायर एक्चुअली में बहुत लार्ज एरिया में हमें नहीं जलाना चाहिए, छोटे एरिया में जलाना चाहिए, क्योंकि जो कैंप फायर होता है वो सबसे हार्मफुल चीजों में से एक है। वो स्मेल अच्छा करता है, फील आता है कैंपिंग कर रहे हैं, बट इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जो कि आंख और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, और इससे इलनेस भी आ सकती है। इसलिए कैंप फायर को छोटा सा जलाना चाहिए हमें, मीडियम साइज का। बहुत लोग जो होते हैं एकदम गद्दड़ से जलाते हैं वॉक वॉक करके। फैक्ट नंबर 3, ऐसा होता है ना कि मान लो कि कोई जंगल कटा और वहां पे बहुत हिस्टोरिक सा चीज दिख गया, कुछ एंशियंट सा बिल्डिंग दिख गया, ऐसा कुछ। तो एक जगह पे एक मेक्सिकन रिजर्वायर में पानी रहता था, ठीक है, पूरा भरा हुआ, और क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, और जब सूखा पड़ा तो वो 80 फीट तक पानी नीचे चला गया उस जगह पे, और उसके अंदर से 500 साल पुराना एक मेक्सिकन चर्च निकला, और ये न्यूज पूरे दुनिया में फैलने लगी थी। इसका नाम है द टेम्पल ऑफ क्यूचुला, और ये 1564 में बना था और बाद में अबैंडन कर दिया गया था। 450 साल पुराना मेक्सिकन चर्च सूखे के चलते एक रिजर्वायर में दिखने लगा, ये बाहुबली टाइप का फिल्मी सा सीन टाइप का लग रहा है। फैक्ट नंबर 2, लेक बैकाल, ये एक लेक है, ठीक है, और पूरे दुनिया के 100% पानी में से, पूरे धरती में 100% पानी है, उसमें से 20% पानी सिर्फ इसी लेक में मौजूद है, पता है, मतलब दुनिया का 20% पानी सिर्फ एक लेक में। इसका नाम है लेक बैकाल, और ये जो है ना ये डीपेस्ट लेक है, एकदम डीपेस्ट लेक है, 1 मील अंदर तक जाता है ये, मतलब करीब 1.6 किलोमीटर अंदर तक, और ये 25 मिलियन ईयर्स, मतलब 2.5 करोड़ साल पुराना लेक है, इसलिए इसे सबसे ओल्डेस्ट लेक भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में आप अमेजिंग से अमेजिंग ट्रेन ट्रैक्स देखे होंगे, तो ये है दुनिया के सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिजेस, और आप इसके अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो। ये है चेन्नई रामेश्वरम रूट, ये साउदर्न इंडिया में मौजूद है, और कभी कभी तो वहाँ इतने लहरें उठती है इतने ऊपर तक कि ट्रेन का जो खिड़की होता है उस पे पानी चल जाता है, मतलब आप बैठे हो और नीचे से पचाक करके ट्रेन के नीचे वाले जगह से, ऐसा भी होता है। ये है ऑटेनिग्यू चोज जोई, साउथ अफ्रीका, और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग ट्रेन ब्रिजेस में से एक है। पूरे साउथ अफ्रीका में सबसे फेमस और सबसे चर्चित रेलवे ब्रिज यही है। ये है इंडोनेशिया का जकार्ता बैंडुंग, और इसका भी आप अमेजिंग व्यू देख सकते हो। फिर आता है जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड कोलोराडो यूएसए, इसका भी आप अलग अलग एंगल से व्यू देख सकते हो। और थाईलैंड के इस ब्रिज को देखो, डेथ रेलवे, इसे लिटरली डेथ रेलवे कहा जाता है। इसका जगह देखो, इस एंगल से इसका पिक देखो, कितना डेंजरस लग रहा है। मायामी रूट जापान, और ये जंगलों से पार होता हुआ एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है, ब्रिज है, ये एक्चुअली में एक लावा के पास है, और ये लावा एक्चुअली में कभी भी फट सकता है। ये सबसे एक्साइटिंग ब्रिजेस में से एक है, और ये है साल्टा पोलवोरिलो अर्जेंटीना, और इस ब्रिज को बनाने में 27 साल लग गए थे, और ये सी लेवल से 4200 मीटर ऊपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और शेयर तो कर ही देना, और अगर आप पहली बार चैनल
देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।